नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। जैसे कि हम सब जानते हैं, कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। लोगों को अब अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन के लिए घूमना पड़ रहा है। बेड और ऑक्सीजन ना होने की वजह से मरीज अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ रहे हैं। कोरोना से सभी राज्य में चीख पुकार हो रही है, हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन एजेंसी के सामने लंबी लंबी कतारें लगी है। शमशान घाटों में लाशों के ढेर पड़े हैं। सरकार का कहना है कि खबरदार किसी ने हम पर उंगली उठाई तो। जैसे सरकार जनता पर एहसान कर रही है अस्पताल और दवाई देकर, सरकार अपना इतिहास बनाने में लगी है, अपनी सरकार बचाने में लगी है। सरकार को क्या फर्क पड़ता है किसी की बेटी मरे, बाप मरे, माँ मरे या भाई मरे। सरकार तो अपनी आंखें बंद करके बैठी है। सब तरफ बस कालाबाजारी शुरू है। महाराष्ट्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश की स्थिति भी अब बद से बदतर हो गई है। कानपुर शमशान में कोरोना से मरने वाले इतने शव पहुंचे हैं कि टोकन बन रहा है और अंतिम संस्कार में पूरा का पूरा दिन लग रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोग घूस देकर अपने शव का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। कब्रिस्तान में भी अचानक जनाजों की तादाद बहुत ही बढ़ गई है।